Hi friends, welcome in my channel Engineering Solution. My name is Sandesh Lalwe. तो शुरू करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक. इन टू स्ट्रोक इंजन कंप्लीट द साइकिल ऑफ ऑपरेशंस इन टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए पिस्टन का दो बार स्ट्रोक होना जरूरी है. जैसे कि इन फोर स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल ऑपरेशन कंप्लीटेड इन फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. मतलब इन फोर स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए पिस्टन का फोर स्ट्रोक होना जरूरी है. जैसे कि इन टू स्ट्रोक आइस इंजन्स आर सिंपल इन डिजाइन. मतलब इन टू स्ट्रोक में इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पे इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स यूज करते हैं. जैसे कि इन फोर स्ट्रोक आइस इंजन्स डिजाइन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसका डिज़ाइन डिफिकल्ट रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि इसमें वाल्स एंड मैकेनिज्म कैम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. वाल्स एंड कैम मैकेनिज्म यूज़ करने से ही इसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. जैसे कि इन टू स्ट्रोक आइस इंजन्स आउटपुट इज मोर. मतलब इसका आउटपुट ज़्यादा रहता है, नियर अबाउट 60-80%. जैसे कि इन फोर स्ट्रोक आइस इंजन में इसका आउटपुट वेरी मतलब लेस रहता है. इन टू स्ट्रोक आइस इंजन वर्किंग स्ट्रोक एंड वंस फ्यूल इज बर्न्ड इन ईच रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. मतलब एक बार वर्किंग स्ट्रोक होने के बाद एक ही बार फ्यूल बर्न्ड होता है इन टू स्ट्रोक आइस इंजन में. एंड इन फोर स्ट्रोक इंजन देर इज वन वर्किंग स्ट्रोक एंड वंस द फ्यूल इज बर्न्ड इन टू रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. मतलब इन फोर स्ट्रोक में एक बार फ्यूल बर्न्ड होता है और फोर स्ट्रोक कंप्लीट होता है पिस्टन का और एक साइकिल कंप्लीट होता है. इन टू स्ट्रोक आईसी इंजन्स लाइटर फ्लाईव्हील इज यूज्ड बिकॉज देयर इज लिटिल प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग. मतलब यहाँ पे टू स्ट्रोक में फ्लाईव्हील यूज करते हैं तो लाइट वेट रहता है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आता है बैलेंसिंग का. जैसे कि इन फोर स्ट्रोक में है, इन फोर स्ट्रोक आईसी इंजन्स देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग. मतलब इन फोर स्ट्रोक में बैलेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता है. इन टू स्ट्रोक आइस इंजन्स आर लेस इफिशियंट. मतलब टू स्ट्रोक आइस इंजन रहते हैं वो लेस इफिशियंट रहते हैं. मतलब इंजन गर्म हो जाता है जल्दी. जैसे कि इन फोर स्ट्रोक आइस इंजन्स आर मोर इफिशियंट. मतलब ये मोर इफिशियंट रहते हैं और ज़्यादा देर तक लंबा जर्नी के लिए अच्छा रहता है. इन टू स्ट्रोक आइस इंजन्स कंज्यूम मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल. मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब यहाँ पे फोर स्ट्रोक मशीन रहता है इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल कम लगता है. मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं खाती गाड़ी. इन टू स्ट्रोक देयर इज मोर वियर एंड टीयर इन टू स्ट्रोक आइस इंजन. मतलब यहाँ पे वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है इन टू स्ट्रोक में, जैसे कि इन फोर स्ट्रोक में वियर एंड टीयर कम होता है. और टू स्ट्रोक आइस इंजन्स आर मोर नॉइजी. मतलब बहुत आवाज़ करते हैं, उसकी फायरिंग बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करती है. जहाँ तक कि इन फोर स्ट्रोक आइस इंजन में उसका गाड़ी का आवाज़ कम आता है, इन फोर स्ट्रोक में लेस नॉइजी, इसलिए राइडिंग करने के लिए भी अच्छा लगता है और सेफ रहता है. इन टू स्ट्रोक आइस इंजन मोर फ्यूल कंजप्शन. मतलब गाड़ी पेट्रोल बहुत खाती है, एवरेज नहीं देती है इन टू स्ट्रोक में. जैसे कि इन फोर स्ट्रोक में कैसा है कि लेस फ्यूल कंजप्शन. मतलब देखा दोस्तों, हमने बातों में सीख लिया कि डिफरेंस कैसा है दोनों का, मतलब कंपैरिजन कैसा हुआ टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में. तो दोस्तों, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो.